ताला फरमाते सूरह मुदस्सर में, सूरह मुदस्सर में सूरह नंबर 74 कि जो गुनेगार दोजख में डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दोजख में हैं, तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे, लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या चाहिए? हमारे परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते हैं? हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है? परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते हैं आज? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते हैं? हाँ क्या नहीं जवाब? हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते हैं आप? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे हैं? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते हैं कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ते, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैंपबेल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी, और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैंपबेल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं साफ तौर पे, एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में साफ तौर पे, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिग्यूअस स्टेटमेंट, एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिग्यूअस बिना कोई शुबह, एक भी जुमला नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God, or where he says worship me, ek bhi bina shuba, ek bhi saaf jumla nahi hai jahan Isa alaihi salam khud kehte hai ki main khuda hu, ya wo kehte hai ki meri ibadat karo. Bible ke bahut se versions hai, main talib e ilm hu Islam aur taqabul e mazhab ka, agar koi bhi isai कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला बिना कोई शक बिना कोई शबह जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन, मैं तैयार हूं अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं, इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे पिता सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20
आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं खुदा की उंगली से, मैं खुदा की मदद से शैतान को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में ईसा अलैहि सलाम कहते, आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माय जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माय विल बट द विल ऑफ माय फादर। आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, एज आई हियर आई जज, जैसे मैं सुनता हूं उस तरीके से मैं इंसाफ करता हूं, एंड माय जजमेंट इज जस्ट, और मेरा इंसाफ सही है। For I seek not my will, but the will of my father. क्योंकि मैं मेरी रजा पे नहीं चलता हूं, मैं रजा पे चलता हूं खुदा की। और जो कोई कहता है कि मैं खुदा की रजा से चलता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, मुसलमान थे। ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। और साफ अंदाज से लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय हिम एंड यू विटनेस टू इट। ई मैन ऑफ इज़राइल, सुनो ए बनी इज़राइल, ईसा अलैहि सलाम जो नसारा थे वो एक आदमी थे और खुदा ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और आप खुद उसके गवाह है। साफ अल्फाज में लिखा है बाइबल में, ईसा अलैहि सलाम एक आदमी थे जिन्हें खुदा ने चुना और उनके जरिए चमत्कार किए। ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया। वो अल्लाह सुबहाना व ताला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी, और मोहम्मद अलैहि सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है, लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं, लेकिन मेरे दो दोस्त एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं, ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफरकु, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने सारी इंसानियत को आदम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सबने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुबहाना व ताला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग ये पत्थर पहाड़ जानवर ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते, लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएगी, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहां पर हम। और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ना जाता है दरगाह के बारे में, मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूं, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए, कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए, लेकिन लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहां होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है, आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते।